अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। और आज हम अपनी गुफ्तगू को वहाँ पे ही शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछले प्रोग्राम में उसको ख़त्म किया था। सिंगल और मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, और प्रॉब्लम्स को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है उस पर बात करेंगे। टॉय एग्जाम्पल्स जो हैं उन पर बात करेंगे, और उसके बाद हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो हैं उन पर बात करेंगे। सिंगल स्टेट प्रॉब्लम और मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम में डिफरेंस यही है कि सिंगल स्टेट प्रॉब्लम में आपके पास, आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहते हुए यू एक्वायर द नॉलेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इन मल्टीपल स्टेट आपको मल्टीपल जो वर्ल्ड स्टेट्स हैं उनमें से किसी में जाना होता है, एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट एक्शन। ए मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम हैज एन इनिशियल स्टेट सेट एज सेट ऑफ ऑपरेटर्स गिव द सेट ऑफ स्टेट्स दैट कैन बी रीच्ड फॉर एनी गिवन स्टेट सेट, गोल टेस्ट एंड पाथ कॉस्ट फंक्शन एज बिफोर फॉर ए सिंगल स्टेट प्रॉब्लम, ए पाथ कनेक्ट्स सेट्स ऑफ स्टेट्स एंड ए सोल्यूशन इज अ पाथ टू द सेट ऑफ स्टेट्स ऑल ऑफ विच आर गोल स्टेट्स। The state space is a state set space। अजीज़ तलबा, हमने ये इस गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारा इंटेलिजेंट एजेंट जो है उसका एक ख़ास कंस्ट्रक्ट है जो कि इनिशियल स्टेट है, उससे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर से आप जो भी आपके पास choices हैं वो आपकी वर्ल्ड स्टेट्स हैं, वर्ल्ड स्टेट से जो आप किसी भी वर्ल्ड स्टेट में पहुंचकर आप गोल टेस्ट अप्लाई करते हैं कि वेदर यू हैव रीच द गोल और नॉट। जब आपने गोल स्टेट में पहुंच जाते हैं देन यू टर्मिनेट योर ऑपरेशन। जब तक आप गोल स्टेट में नहीं पहुंचते उस वक्त तक आपका इंटेलिजेंट एजेंट जो है दैट कीप्स ऑन सर्चिंग द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल मूव, खा वो सिंगल स्टेट प्रॉब्लम हो खा वो मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम हो। मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम में आपका इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो नेक्स्ट बेस्ट एक्शन की तलाश में होता है, और हर नेक्स्ट बेस्ट एक्शन पे वो आपका जो गोल टेस्ट है वो अप्लाई करता है और देखता है कि मैं आपने गोल जो है वो अचीव किया है या नहीं, और जब वो गोल अचीव कर लेता है उस वक्त उसकी सर्च जो है वो टर्मिनेट होती है। किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट की परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये एक बहुत जो कॉस्ट है, पाथ कॉस्ट जो है या टोटल कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करती है कि किसी भी एजेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। मसलन, फर्स्ट, डज द सर्च फाइंड ए सोल्यूशन एट ऑल। जब हमारा इंटेलिजेंट एजेंट जो है हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए देखते हैं कि क्या वो अपने गोल स्टेट पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा। सेकेंड, इज द सोल्यूशन ए गुड सोल्यूशन, लो पैथ कॉस्ट। कि जब भी हम, ये भी हो सकता है कि हमारा जो एजेंट है वो जो भी गोल स्टेट पे पहुंचना चाहता है लेकिन एट ए वेरी हेफ्टी कॉस्ट विच इज नॉट डिजायरेबल। तो मिनिमम कॉस्ट पे अगर आपका इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो गोल स्टेट पे पहुंच जाता है तो वी से कि हमारा जो द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एजेंट इज गुड और एक्सेप्टेबल। थर्ड, व्हाट इज द सर्च कॉस्ट एसोसिएटेड विद द टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट टू फाइंड ए सोल्यूशन, एंड द टोटल कॉस्ट, अल्टीमेटली द टोटल कॉस्ट, द सर्च कॉस्ट, द पैथ कॉस्ट विल डिटरमिन द टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ पैथ कॉस्ट एंड द सर्च कॉस्ट। अब इसमें ट्रेड ऑफ क्या है, थिंक लॉन्ग अबाउट परफेक्ट सोल्यूशन और सेटल फॉर ए सोल्यूशन विद ए लेस देन ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट। अब जब हमारा इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना चाहता है और उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो हमारा एजेंट एक लंबा रास्ता अख्तियार करके इनिशियल स्टेट से मल्टीपल स्टेट पे पहुंच सकता है या एक छोटा रास्ता इख्तियार करके वो पहुंच सकता है। उसमें दो चीज़ें हमें डिटर्मिन करने वाली होंगी। हमारा ट्रेड ऑफ जो है वो इसेंशली वुड लाइक कि हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, हमारी सर्च कॉस्ट जो है वो कम से कम हो और हमारी पैथ कॉस्ट जो है वो कम से कम हो।
अल्टीमेट हमारा ट्रेड ऑफ जो है कि हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव ए रियल गुड इंटेलिजेंट एजेंट। अब आप हम अगेन अपनी उसी मिसाल पे आते हैं जो हमने एरड से बुखारस जाने वाली, आपकी किताब में वो रोमानिया का मैप दिया हुआ है और उसमें तकरीबन 20 के करीब शहरों के लिंक हैं। आप प्लीज़ अपनी किताब में उस चीज़ को रेफ़र कीजिए और देखिए द स्टेट स्पेस हैज़ 20 स्टेट्स वन फॉर ईच सिटी। इनिशियल स्टेट क्या है उसमें, अब हम उस मिसाल को, ये अरड से बुखारस पहुंचने वाली मिसाल को अल्टीमेट प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन में लाते हैं। तो इनिशियल स्टेट हमारी क्या होगी, वी आर इन एरड। गोल स्टेट टेस्ट क्या है, इज दिस बुखारेस्ट। जैसे ही हमारा एजेंट एक शहर से निकलता है दूसरे शहर में पहुंचता है तो टेस्ट लगाता है कि क्या ये वाला शहर जिसमें मैं पहुंचा हूं ये बुखारेस्ट है, अगर नहीं है मूव टू द नेक्स्ट। अगले शहर में पहुंच के फिर वो यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है, इज दिस बुखारेस्ट, जब तक अनटिल दी एजेंट गेट्स एन आंसर इन यस दिस इज बुखारेस्ट, हमारा एजेंट जो है कीप्स ऑन वर्किंग। ऑपरेटर्स क्या है, ड्राइविंग बिटवीन सिटीज फ्रॉम सिटी ए टू बी टू सी टू डी, मैनी डिफरेंट सोल्यूशंस, विच वन इज द बेस्ट। सिंस माइलेज इज नॉट स्पेसिफाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बट इफ यू टेक द नंबर ऑफ स्टेप्स देन सोल्यूशन ऑफ पाथ कॉस्ट 3 इज द बेस्ट। आई थिंक आपको आप ट्राई करें ये बुखारेस्ट एरड से बुखारस पहुंचने वाली जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को प्रोग्राम करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हमारे पास जब भी हम किसी इंटेलिजेंट एजेंट पे काम करते हैं, अगर हम उस हमारे पास दो चॉइसेस अवेलेबल होते हैं, एक तो हम फिलोसॉफिकल और हाइपोथेटिकल एक प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करें और देखें कि उसका सोल्यूशन जो है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट कैसा है। उसके बाद फिर हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हैं जहाँ पे हम इंटेलिजेंट एजेंट बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि इनिशियल स्टेट से हमें गोल स्टेट में ले जाएं एट लीस्ट कॉस्ट। हमारे जो उन्हें हम टाई प्रॉब्लम कह लें या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम कह लें, आइए अब हम चंद हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम मेंट टू इलस्ट्रेट और एक्सरसाइज वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, वो कंसाइज होते हैं, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज पॉसिबल, कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट, एंड देर आर सर्टन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 8 puzzle, 8 queens प्रॉब्लम, क्रिप्टामैथिक अरेथमेटिक प्रॉब्लम, वैक्यूम वर्ल्ड, मिशनरीज एंड कैनिबाल्स। कॉन्ट्रेरी टू द टॉय प्रॉब्लम्स आर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर मोर डिफिकल्ट एंड पीपल एक्चुअली केयर अबाउट द सोल्यूशंस। यूजुअली देर इज नो सिंगल एग्रीड अपॉन डिस्क्रिप्शन एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर राउट फाइंडिंग, टूरिंग एंड ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, VLSI layout, robot navigation, assembly sequencing। तो आइए अब हम चंद टॉय एग्जाम्पल्स को और चंद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को ज़रा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। 8 puzzle problem। 8 puzzle problem में जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ये 8 numbered tiles हैं और जो कि 3x3 बोर्ड पे हमने ले की हुई हैं और उन टाइल्स पे कुछ नंबर्स हैं। आप देख रहे हैं ये टाइल 1 है, टाइल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 और एक टाइल जो है ये जगह जो है ये खाली है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ब्लैक स्पेस को यूज़ करते हुए इन टाइल्स को रीअरेंज करें और हमारी गोल स्टेट जो है वो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 puzzle problem जो है इसको हम रिप्रेजेंट करने की जब कोशिश करते हैं तो हमारी स्टेट्स क्या है, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ईच टाइल एंड लोकेशन ऑफ द ब्लैंक, ये हमारी स्टेट्स हैं। इसको हम इनिशियल स्टेट कह सकते हैं और ये हमारी गोल स्टेट्स है। ऑपरेटर्स क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ऑपरेटर्स ये होंगे ब्लैंक मूव्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। जाहिर है जब आप इस इनिशियल स्टेट से
आप गोल स्टेट में पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन टाइल्स को मूव करना पड़ेगा। ये आपकी ब्लैंक जो है ये लेफ्ट भी जा सकती है, राइट जा सकती है, जो भी पॉसिबल मूव्स आपकी ब्लैंक टाइल की और दूसरी टाइल्स की हो सकती हैं वो करने के बाद आपने इस गोल स्टेट पे पहुंचना है। और गोल टेस्ट क्या है? स्टेट मैचेस द गोल कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राइट। हमारी इनिशियल स्टेट्स जो हैं वो ये ऊपर दी गई हैं, ऑपरेटर्स हमारे जो हैं ब्लैंक मूव्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, और गोल टेस्ट ये है कि क्या हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है इस पे पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके। पाथ कॉस्ट क्या है? ईच स्टेप कॉस्ट्स वन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सो जस्ट द लेंथ ऑफ द पाथ। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी पाथ कॉस्ट जो है वो कम से कम हो और हम इनिशियल स्टेट से अपनी इस डिजायर्ड गोल स्टेट पर पहुंच जाएं। आइए अब हम एक और टॉय प्रॉब्लम जो है, जिसे हम क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, उसको देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो वर्ड्स में हमने ये एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया हुआ है, 40 + 10 + 10 = 60। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर लफ्ज के लिए, फॉर एवरी अल्फाबेट वी क्राफ्ट ए नंबर एंड देन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन विद एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट आर दिस क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम हैज़ द करेक्ट अरिथमेटिकली इज अरिथमेटिकली करेक्ट। तो हमने ये कैसे किया है? फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन इज फॉर एफ 2, फॉर ओ 9, फॉर आर इट इज 7, फॉर टी 8, फॉर वाई इट इज 6, अगेन फॉर टी वी हैव 8, फॉर ई वी हैव 5, फॉर 0 वी हैव n। तो हम देख रहे हैं कि अरिथमेटिकली 40 + 10 + 10 = 60। और अब हम इन अल्फाबेट्स के लिए जो नंबर्स हमने किए हैं 29,786 + 850 + 850, और जब हम उसको ऐड करते हैं तो वी रीच दिस आंसर। अल्टीमेटली दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, 40 + 10 + 10 = 60, एंड सिमिलरली दीज थ्री नंबर्स एड अप टू दिस नंबर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने अल्फाबेट्स को नंबर्स के साथ रिप्लेस करें सो दैट मैथमेटिकली इट इज करेक्ट। तो इसमें स्टेट्स क्या हैं? ए क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल विद सम लेटर्स रिप्लेस्ड बाय डिजिट्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? रिप्लेस ऑल अक्रेंसेज ऑफ द लेटर्स विद अ डिजिट नॉट ऑलरेडी इन द पजल। गोल टेस्ट क्या है? पजल कंटेन्स ओनली डिजिट्स एंड इज अरिथमेटिकली करेक्ट। हमारा गोल टेस्ट क्या है? कि हमने जो चीज़ हमारे वर्ड्स में अरिथमेटिकली करेक्ट है वो नंबर्स में भी अरिथमेटिकली करेक्ट हो। तो ये हमारा गोल टेस्ट है। पाथ कॉस्ट क्या है? 0। ऑल सॉल्यूशंस इक्वली वैलिड। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम ये है टू अवॉइड परमुटेशंस। गोल हमारा ये है कि हमने अपने जो वर्ड्स में प्रॉब्लम स्टेट किया हुआ है और उसका अरिथमेटिक आंसर है वो डिजिट्स में भी हम वी आर एबल टू अचीव द सेम मैथमेटिकल करेक्टनेस विदाउट विद अवॉइडिंग एनी परमुटेशंस। वैक्यूम वर्ल्ड का प्रॉब्लम जो है वो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल स्टेट केस विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस किया पहले, जो स्टेट 5 थी। स्टेट्स क्या हैं? 1 of the 8 states गिवन अर्लियर। ऑपरेटर्स क्या हैं? मूव लेफ्ट मूव राइट सक। गोल टेस्ट क्या है? नो डर्ट लेफ्ट इन एनी स्क्वायर। और पाथ कॉस्ट क्या है? ईच एक्शन कॉस्ट 1। ये उसकी पॉसिबल अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम की तो ये इस तरह से होंगी। 8 स्टेट्स हमने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया था डिटेल से। अगर मल्टीपल स्टेट केस विद नो सेंसर्स या हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हमारे पास 8 मल्टीपल स्टेट्स होंगी। स्टेट सेट क्या है? सब सेट ऑफ स्टेट्स 1 to 8। ऑपरेटर्स क्या होंगे? मूव लेफ्ट मूव राइट सक। गोल टेस्ट क्या होगा? ऑल स्टेट इन द स्टेट सेट हैव नो डर्ट। पैथ कॉस्ट क्या है? ईच एक्शन कॉस्ट 1। एक और टॉय प्रॉब्लम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, वो मिशनरीज एंड कैनेबाल्ड वाली। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? वी हैव इन दिस प्रॉब्लम वी हैव 3 मिशनरीज
एंड थ्री कैनबाल्स। हमारे पास रिवर क्रॉस करना है, एक बोट है हमारे पास। वी हैव थ्री मिशनरीज एंड थ्री कैनबाल्स वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर। देर इज ए बोट दैट कैन होल्ड टू पीपल ओनली। क्रॉस द रिवर बट मेक श्योर दैट द मिशनरीज आर नेवर आउट नंबर्ड बाय द कैनबाल्स। वन टू वन जो रेशियो है वो मेंटेन करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इन दोनों पार्टीज को रिवर से पार ले जाना है उस बोट पे जिसमें गुंजाइश जो है वो सिर्फ दो आदमियों की है, लेकिन आपके कहीं पे भी आपके जो कैनिबल्स हैं उन वो मिशनरीज को आउट नंबर नहीं करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। नीड ए लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिफोर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कैन बी अप्लाइड। अगर इस प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा मजीद कॉम्प्लिकेट करना चाहें अपार्ट फ्रॉम वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव, तो हमारे पास देर आर नंबर ऑफ अदर चॉइसेस। अगर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दिस प्रॉब्लम इवन मोर कॉम्प्लेक्स, इफ यू वॉन्ट टू एड सम मोर कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉरगेट अबाउट क्रॉकोडाइल्स इन द रिवर, द वेदर एंड सो ऑन। इन द बोट नो आउट नंबरिंग इज पॉसिबल, चूँकि आपकी बोट जो है वो सिर्फ दो आदमियों को ही ले जा सकती है, इसलिए बोट में तो वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है कि वो जो मिशनरीज हैं आप कैनिबल जो हैं वो मिशनरीज को आउट नंबर करें। सो ओनली द एंड पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग आर इम्पॉर्टेंट, कि कितने शख्स जो हैं वो रिवर के इस साइड पर रह जाते हैं और कितने दूसरी साइड्स पे पहुंचते हैं। देर आर ओनली टू पॉसिबल पीपल, या मिशनरीज हैं कैनिबल्स हैं। स्टेट्स, कितनी पॉसिबल स्टेट्स होंगी इस प्रॉब्लम में। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ थ्री नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मिशनरीज कैनिबल्स एंड अ बोट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फ्रॉम विच दे स्टार्टेड। द स्टार्ट स्टेट इज 3-3-1, कि ये रिवर के सारे लोग जो हैं वो रिवर के लेट्स से लेफ्ट बैंक पे हैं और बोट जो है वो रिवर में है। ऑपरेटर्स क्या होंगे, टेक वन मिशनरी, वन कैनिबल, टू मिशनरीज, टू कैनिबल्स और वन ऑफ ईच अक्रॉस द बोट। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि आप किसी भी दो को ले जा सकते हैं, आपके पास पॉसिबल इटरेशंस जो हैं आप दोनों पार्टीज में से एक ले सकते हैं, एक पार्टीज में से दो ले सकते हैं, दूसरी पार्टी में से दो ले सकते हैं और वन ऑफ ईच अक्रॉस इन द बोट। गोल टेस्ट क्या है, रीच स्टेट, हत्ता के हमारा all three missionaries and all three cannibals reach on the other side of the river. Path cost kya hai, number of crossing. Ab hamara objective kya hai is particular exercise mein, ki hamare minimum number of trips, in minimum number of trips humne apne in 6 ashkhas ko do different groups mein jo hain unko darya ke dusri taraf leke jana hai, jabki hamari जो हमारी शिप है या बोट है वो सिर्फ दो अशखास को ले जा सकती है, लेकिन कभी भी आपके मिशनरीज को जो कैनिबल्स हैं वो आउट नंबर नहीं करने देना, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये पॉसिबल फॉर्मुलेशन जो है इस प्रॉब्लम की इस तरह से हो सकती है। ये 3-4-5 मिसालें जो हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं कि आप यू कैन ट्राई ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ट्राई टू राइट ए प्रोग्राम, राइट एन इंटेलिजेंट एजेंट टू सॉल्व दीज problems which are primarily we call them toy problems or hypothetical problems, ke whether you are able to construct an agent successfully or not. Aaiye ab dekhte hain ki hamare practical problems kya ho sakte hain in order to construct some intelligent agents. The first example is, for example, route finding. In the route finding, specified locations and transitions along links between them. Aapne ek shahar se दूसरे शहर में जाना है, आपके पास मल्टीपल राउट्स अवेलेबल हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप लीस्ट कॉस्ट राउट जो है वो अडॉप्ट करें। एप्लीकेशन इसकी बेतहाशा हैं, राउटिंग इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑटोमेटेड ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम्स, एयरलाइन ट्रैवल प्लानिंग सिस्टम, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल मिसालें जो हैं इन अल्गोरिदम्स की या इन एजेंट्स की हमारे पास मौजूद हैं। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन की है, और ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जैसा कि आप यकीनन जानते होंगे कि उसने लेट्स से 10 डिफरेंट शहरों में जाना है और हर शहर को विज़िट करना है, किसी शहर में दोबारा नहीं जाना, तो वी हैव टू डेवलप एन एल्गोरिथम
कि वो सारे शहर भी कवर हो जाएं, कोई शहर दो दफ़ा ना भी ना आए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर ए ट्रैवलिंग सेल्समैन। ये जो है राउट फाइंडिंग वाला ही तकरीबन प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें वी हैव टू रिटेन सम इंफॉर्मेशन, वी हैव टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन ने कौन सा शहर विजिट कर लिया है, ताकि वो उसकी लिस्ट से निकलता चला जाए। इट लुक्स सिमिलर टू राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम, बट इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटेड सिटीज नीड टू बी स्टोर्ड। एम ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट टूर दैट विजिट्स ऑल सिटीज। ए लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन स्पेंट ऑन इम्प्रूविंग द केपेबिलिटीज ऑफ ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन एल्गोरिथम। आपको याद होगा कि हमने जब पहले अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि आपकी कंप्यूटेशनली अगर आपके नंबर ऑफ सिटीज जो बढ़ते चले जाएं, तो कंप्यूटेशनली इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू वर्क आउट ऑल द पॉसिबल सीक्वेंसेस, ऑल द पॉसिबल राउट्स। तो द रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू परफेक्ट द ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम। आप भी ट्राई कर सकते हैं टू राइट एन एजेंट टू विच कैन प्लान the tour of a traveling salesperson. Application इसकी बहुत ज़्यादा हैं, planning movements of automatic circuit board drills जो हैं ये practically by using the traveling salesperson इस्तेमाल किया गया है। एक और मिसाल जो है VLSI layout की है, which places cells on the chip so that they do not overlap and that there is a room for connecting wires to be placed between the cells. Practical मिसाल इंटेलिजेंट एजेंट्स की जो है वो असेंबली सीक्वेंसिंग है फॉर ऑटोमेटिक असेंबली ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। आप कभी जब अगर किसी मैकेनिक के पास गए हों और वो इंजन को जब वो खोलता है तो वो देखता है किसी ख़ास पुर्जे तक पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कोई चीज़ें जो हैं वो खोलनी पड़ती हैं, और अगर उसकी सीक्वेंस गलत हो जाए तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में दिक्कत भी होती है। और अगर आप असेंबली में उसकी जो सीक्वेंस है ऑफ असेंबलिंग पार्ट्स अगर गलत हो जाए तो आपका ना सिर्फ ये कि यू वोंट बी एबल टू करेक्टली असेंबल दी पार्ट्स, यू विल हैव मोर टाइम, यू विल टेक मोर टाइम एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल स्टेट। असेंबली सीक्वेंसिंग, ऑटोमेटिक असेंबली ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन ऑर्डर इन विच to assemble the parts of some objects. If the wrong order is chosen, some of the previous work need to be undone. Aziz Talaba, hamara intelligent agents ke bare mein jo tarfi baat thi wo iske sath khatam hoti hai. Agarche hum in problems pe exploratory problem ho ya contingency problem ho ya problem solving agents ho, aage hum bahut zyada tafseel se jab hum intelligent agents jo hai wo build karenge, उन पे ज़्यादा तफसील से आपकी किताब में भी आगे ज़्यादा तफसील दी हुई है और हम भी उस पे मज़ीद गुफ्तगू अपने आइंदा लेक्चर्स में करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने जिन मौजूदात पर बात की वो थे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, सिंगल एंड मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम्स पे बात की, प्रॉब्लम्स का को हम कैसे फार्मूलेट करते हैं, इनिशियल स्टेट, देन ऑपरेटर्स, देन गोल टेस्ट एंड देन गोल स्टेट और अल्टीमेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट हाउ वी रीच द गोल स्टेट। हमने प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है उस पर मज़ीद बात भी की, कॉन्टीजेंसी प्रॉब्लम्स पे बात की, एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स पे बात कर की हमने, और उसके बाद हमने कुछ मिसालें जो हैं वो टॉय प्रॉब्लम्स की दी आपको, और मज़ीद कुछ मिसालें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो इंटेलिजेंट एजेंट्स की हो सकती हैं हमने उस पर बात की। अज़ीज़ तलबा, आज हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की बात करते हुए सर्च का जिक्र किया। तो सर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स की डिज़ाइन में एक बहुत ही अहम इशू है, और इंशाल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम्स में उसके बारे में बहुत तफसील से सर्च स्ट्रेटजीज पे, सर्च एल्गोरिथम्स पे बात करेंगे। इसके साथ ही हम आज का मौजू जो है उसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।